Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss pre-nursery activity worksheet. जैसा कि आप सब जानते हैं, छोटे बच्चों को एक जगह पर बैठाकर पढ़ाना पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है. तो इन्हीं सारे टास्क को इजी करने के लिए मैं आपके लिए ये कलरफुल वर्कशीट लाई हूँ. इन सारे वर्कशीट के थ्रू आप घर पर ही अपने बच्चों की इजिली प्रैक्टिस करवा सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट इज बेस्ड ऑन ट्रेसिंग पैटर्न. जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को पेंसिल ग्रिपिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है. तो आप स्टार्टिंग में बच्चों को कुछ इस तरीके से ब्लैंक शीट दे दीजिए या फिर स्लेट दे दीजिए, उस पर बच्चा कुछ भी ड्रॉ करे, सर्कल, लाइन, सर्कल ड्रॉ, कुछ भी जो बच्चा चाहे वो अपना फ्री छोड़ दीजिए, उसे कुछ भी वो इस तरीके से ड्रॉ करे, जो भी उसका मन करे. इससे क्या होगा कि उसकी पेंसिल ग्रिपिंग काफी अच्छी भी हो जाएगी और जब वो लेटर फॉर्मेशन या कुछ भी बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी बनेगी. उसके बाद बच्चों को आप इस तरीके से वर्कशीट की हेल्प से प्रैक्टिस करवाइए. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द लाइन. तो यहाँ पे दो बॉल दिया गया, तो इस वर्कशीट में बच्चा बॉल भी आइडेंटिफाई करेगा और इस ट्रेसिंग लाइन को ट्रेस करेगा इस तरीके से. इसी तरीके नेक्स्ट है, बच्चा इस पेंसिल को भी आइडेंटिफाई करेगा और इस ट्रेसिंग लाइन को ट्रेस करेगा. इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा. इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है. सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द बलून विद द सेम कलर. यहाँ पे कुछ बलून्स दिए गए हैं, बच्चा सेम कलर वाले बलून्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसे मैच करेगा. तो जैसे पहला बलून किस कलर का, रेड, तो बच्चा इस लाइन में रेड कलर के बलून्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसे मैच करेगा. इसी तरीके नेक्स्ट है ग्रीन कलर का बलून, तो बच्चा इस लाइन में ग्रीन कलर के बलून्स को आइडेंटिफाई करेगा और मैच करेगा. इसी तरीके नेक्स्ट है येलो, तो बच्चा येलो कलर वाले बलून्स को आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा. इसी तरीके नेक्स्ट बलून है ब्लू कलर का, तो बच्चा ब्लू कलर के बलून्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा. इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कम्प्लीट करेगा. इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को कलर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द लाइन टू कम्प्लीट द पाथ. यहाँ पे कुछ लाइन दिए गए हैं, बच्चा इन लाइन को ट्रेस करेगा और इस पाथ को कम्प्लीट करेगा. तो जैसे यहाँ कौन सा पिक्चर है, बच्चे ने आइडेंटिफाई किया कार, और यहाँ पे कौन सा पिक्चर है, तो बच्चे ने आइडेंटिफाई किया होम. तो बच्चा इस कार को इस पाथ को ट्रेस करते हुए होम तक पहुंचाएगा. तो जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया गया है, बच्चा इस डॉटेड लाइन को इस तरीके से ट्रेस करेगा और इस कार को होम तक पहुंचा देगा. इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा. इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में ट्रेसिंग पैटर्न और पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड शैडोज. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके कुछ शैडो दिए गए हैं, बच्चा इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनके शैडो के साथ मैच करेगा. जैसे पहला पिक्चर कौन सा है, मून का, तो बच्चा मून का शैडो आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा. इसी तरीके नेक्स्ट है क्लाउड, तो बच्चा क्लाउड के शैडो को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा. इसी तरीके नेक्स्ट है, फिर से क्लाउड है, तो बच्चा क्लाउड के शैडो को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा. एंड नेक्स्ट सन, तो बच्चा सन के शैडो को आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच करेगा. इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कम्प्लीट करेगा. इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड कलर द शेप्स. यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, बच्चा इन शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा और इसे कलर करेगा. तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल शेप्स दिया गया है, तो इनका कलर क्या है, रेड, तो बच्चा इन चार्ट में से रेक्टेंगल शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसे रेड कलर से कलर करेगा. इसी तरीके सर्कल है, तो सर्कल का कलर क्या है, येलो, तो बच्चा इनमें सारे सर्कल को आइडेंटिफाई करेगा और उसे येलो कलर से कलर करेगा. इसी तरीके ट्राइंगल एंड स्क्वायर, आप बच्चों को किसी कोई भी क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर दे दीजिए, बच्चा इन कलर्स की हेल्प से इसे कलर करेगा. इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ट्रेस एंड कलर, यहाँ पे लेटर ए ट्रेसिंग के लिए दिया गया है, बच्चा इसे ट्रेस करेगा। और यहाँ पे लेटर ए से बनने वाले ऑब्जेक्ट को कलर करेगा, तो यहाँ पे भी एप्पल दिया गया है ट्रेसिंग के लिए, तो बच्चा इसे ट्रेस करेगा इस तरीके से। उसके बाद इसे कलर करेगा। तो आप बच्चों को कोई भी क्रेयॉन कलर या फिर पेंसिल कलर दे दीजिए, बच्चा उसकी हेल्प से इसे कलर करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेटर ए दिया गया है, बच्चा इन सारे लेटर ए को ट्रेस करेगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में लेटर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द रेनबो। यहाँ पे एक रेनबो दिया गया है और उसके नीचे क्लाउड दिया गया है, बच्चा इस रेनबो को किसी भी क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर की हेल्प से कलर करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को कराने का पर्पस सिर्फ यही है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग और बच्चों में कलर आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।